हाय, अयाना लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज का ट्यूटोरियल 8 से 9 साल तक के बच्चे का कार्डिगन पैटर्न है। इसके दोनों हिस्सों में हमने 45-45 फंदे डाले हैं और ये जिग जैग जाली पैटर्न में डाला गया है। अगर आप भी इसे बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अब हम चलते हैं सीधा ट्यूटोरियल पर। ये सैम्पल हमने आपको 31 फंदों में डाल के दिखाया है। इसमें शुरू के 7 फंदे बटन पट्टी के उल्टे बनेंगे। और इस तरह से 7 फंदे बटन पट्टी के उल्टे बुनने के बाद हम डिज़ाइन के 4 फंदे प्लेन उल्टे बुन देंगे। तो 1, 2, 3 और 4, इस तरह से आप देख सकते हो हमने 4 फंदे यहाँ पे उल्टे बुन दिए। तो टोटल 11 फंदे हम उल्टे बुन चुके हैं। इसके बाद ऊन आगे लाके जाली डालते हुए हम 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। तो देखिए, एक फंदा हमने यहाँ पे घटाया और एक फंदा यहाँ पे जाली का बढ़ा दिया। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से देखिए। तीसरे फंदे को हम इस तरह से इस फंदे के ऊपर से उतारेंगे और उसके बाद दूसरे फंदे को भी उतार देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, इसे हमेशा ध्यान रखें। फिर हम ऊन आगे लाएंगे, जाली डालेंगे, इसके बाद 7 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इस तरह से हमारे डिज़ाइन का एक पार्ट ओवर होता है। अब हम वापस से डिज़ाइन को रिपीट करेंगे, यानी कि ऊन को अपनी तरफ रखेंगे, 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। इसके बाद इसको सीधे हाथ की सिलाई पर ले जाएंगे और ऊन को आपको आगे नहीं लाना है, पीछे ही रखना है। और इसको वापस उल्टे हाथ की सिलाई पर चढ़ाएंगे, फिर तीसरे फंदे को दूसरे फंदे के पहले और दूसरे फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देंगे और फिर इसको भी सीधे हाथ की सिलाई पर ले आएंगे। इसके बाद ऊन को सिलाई पर इस तरह से लपेटेंगे और 7 फंदे उल्टे बुन देंगे। और इस तरह से हमारी पहली सिलाई ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं दूसरी उल्टी सिलाई पर। उल्टी सिलाई उल्टी तरफ से प्लेन उल्टी बुनी जाएगी। इसमें हमें कोई भी डिज़ाइन नहीं डालना, इसे प्लेन उल्टा बुनते जाना है। एक बात का ध्यान दीजिए, अगर आप हमारे चैनल के अपडेट्स जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं हम फ्यूचर में कौन से डिज़ाइन्स अपलोड करेंगे, तो हमारा फेसबुक पेज अयाना लाइफस्टाइल का ज़रूर लाइक करें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप हमारे चैनल के टिप्स एंड ट्रिक्स का पार्ट बनना चाहते हैं, डिस्कशंस का पार्ट बनना चाहते हैं, कोई कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है उस पर क्लिक करते ही आप सीधे हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे। लेकिन जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ दोबारा क्लिक करके नहीं जुड़े। आप ऑलरेडी हमारे ग्रुप्स में हैं और नए लोगों को इस चीज़ का चांस दें। इस तरह से हमारी दूसरी सिलाई ओवर होती है। दूसरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं तीसरी सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 7 फंदे बटन पट्टी के उल्टे बुन लेंगे। और इस तरह से 7 फंदे बटन पट्टी के बुनने के बाद 4 फंदे डिज़ाइन के भी हम उल्टे बुन लेंगे। तो टोटल हमने 11 फंदे उल्टे बुन लिए। इसके बाद ऊन को हम अपनी तरफ ही रखेंगे और फिर 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। इसके बाद 2 का एक जो फंदा हुआ है उसे लेफ्ट हैंड साइड की सिलाई पे ले जाएंगे, फिर इसके पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे और फिर इसको भी सीधे हाथ की सिलाई पर ले आएंगे। फिर 2 बार ऊन को लपेट के जाली डालेंगे और फिर 7 फंदे उल्टे बुनेंगे। और इस तरह से 7 फंदे उल्टे बुनने के बाद हम वापस से डिज़ाइन को रिपीट करेंगे, यानी कि 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हमें हमारी पूरी तीसरी सिलाई को कंप्लीट करना होगा। और इस तरह से हमारी तीसरी सिलाई भी ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद चौथी सिलाई आपको वापस दूसरी सिलाई के जैसे रिपीट करनी होगी। अब हम आते हैं पांचवी सीधी सिलाई पर। शुरू के 7 फंदे बटन पट्टी के उल्टे बुनेंगे। इस तरह से 7 फंदे बटन पट्टी के बुनने के बाद 3 फंदे हम डिज़ाइन के और बुन लेंगे।
इस तरह से तीन फंदे डिज़ाइन के बुनने के बाद अब हमें जाली डालनी होगी। जाली डालने का वही प्रोसेस, ऊन अपने तरफ रखेंगे और दो फंदों का एक फंदा कर देंगे। इसके बाद इसको वापस उल्टे हाथ की सिलाई पे ले आएंगे, तीसरे फंदे को दूसरे के ऊपर से उतार देंगे और फिर दूसरे को भी उतार देंगे। इसके बाद ऊन को सिलाई पर लपेटेंगे और सात फंदे उल्टे बुन देंगे। इसके बाद ऊन को अपनी तरफ ही रखेंगे और दो फंदों का एक फंदा कर देंगे और वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हम अब तक करते आए हैं, और इसी तरह से हम हमारी पूरी पांचवी सिलाई को भी कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से हमारी पांचवी सिलाई भी ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद छठी सिलाई आपको वापस दूसरी सिलाई के जैसे रिपीट करनी होगी। अब हम आते हैं सातवीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के सात फंदे बटन पट्टी के उल्टे बुन देंगे। इसके बाद दो फंदे डिज़ाइन के भी हम उल्टे बुन देंगे, तो टोटल नौ फंदे हमने उल्टे बुन दिए। इसके बाद हम ऊन को अपनी तरफ ही रखेंगे और दो फंदों का एक फंदा कर देंगे और वही स्टेप जो अब तक हमने फॉलो किया, तीसरे फंदे को दूसरे के ऊपर से उतार देंगे और फिर दूसरे फंदे को भी सीधे हाथ की सिलाई पर ले जाएंगे। इसके बाद ऊन को सिलाई पर लपेटते हुए सात फंदे हम उल्टे बुन देंगे और इसके बाद ऊन को हम अपनी तरफ ही रखेंगे और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम वापस से इस डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। और इस तरह से हमारी सातवीं सिलाई भी ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद आठवीं सिलाई आपको वापस दूसरी सिलाई के जैसे बनानी होगी। अब हम आते हैं नवी सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के सात फंदे बटन पट्टी के डालेंगे। नवी सिलाई को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें डिज़ाइन को पलटा जाएगा। इसके बाद तीन फंदे और हम उल्टे बुनेंगे। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ऊन को हम अपनी तरफ ही रखेंगे। अब तक हम दो फंदों का एक फंदा कर रहे थे, अब हम पहले फंदे को बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई पर ले आएंगे और दो फंदों का एक फंदा पीछे से कर देंगे, फिर पहले फंदे को इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे। इसके बाद ऊन को सिलाई पर इस तरह से लपेटेंगे और सात फंदे उल्टे बुन देंगे। और इस तरह से सात फंदे उल्टे बुनने के बाद वापस से डिज़ाइन को रिपीट करेंगे, यानी ऊन को अपनी तरफ रखेंगे, इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे, फिर दो फंदों का एक फंदा पीछे से कर देंगे। इसके बाद हम पहले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। इसके बाद ऊन को सिलाई पर लपेटेंगे और सात फंदे उल्टे बुन देंगे। इस तरह से हमारी नवी सिलाई ओवर होती है। इसके बाद दसवीं सिलाई आपको वापस दूसरी सिलाई के जैसे रिपीट करते जानी होगी। दस सिलाई के कंप्लीट होने के बाद हम आते हैं ग्यारहवीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में सात फंदे बटन पट्टी के उल्टे बुनेंगे। इसके साथ हम चार फंदे और उल्टे बुन देंगे। इसके बाद वापस वही करेंगे, एक फंदे को बिना बुने उतारेंगे, फिर दो फंदों का एक फंदा पीछे से कर देंगे। इसके बाद जो पहला फंदा है उसे दूसरे फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। इसके बाद ऊन को सिलाई पर लपेटेंगे और सात फंदे उल्टे बुनेंगे। और इस तरह से सात फंदे उल्टे बुनने के बाद हम वापस से डिजाइन को रिपीट करेंगे।
तो इस तरह से आपको इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपकी 11वीं सिलाई को कंप्लीट करना होगा। इस तरह से हमारी 11वीं सिलाई यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद 12वीं सिलाई आपको वापस दूसरी सिलाई के जैसे बुननी होगी। अब हम आते हैं 13वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में भी शुरू के 7 फंदे बटन पट्टी के उल्टे बुन देंगे। इसके बाद 5 फंदे हम डिजाइन के उल्टे बुन देंगे। इसके बाद जाली आ गई है तो जाली के ऊपर हमें जाली डालनी होगी। एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, 2 फंदों का एक फंदा पीछे से कर देंगे। इसके बाद पहले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से उतार देंगे। इसके बाद ऊन को सिलाई पर लपेटकर 7 फंदे उल्टे बुनेंगे और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपकी पूरी 13वीं सिलाई को भी कम्प्लीट करना होगा। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी 13वीं सिलाई भी ऑलमोस्ट ओवर होती है। इसके बाद 14वीं सिलाई आपको वापस दूसरी सिलाई के जैसे बनानी होगी। 14 सिलाई में जाके आपका डिज़ाइन ओवर हो जाएगा। इस डिज़ाइन के कंप्लीट होने के बाद का लुक आप देख सकते हो बनने के बाद इस तरह से आएगा। और यही पे हमारा आज का ट्यूटोरियल भी ओवर होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड बाय।